हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए टॉप 20 बायोलॉजी के क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये इसका पार्ट वन है। तो गाइस, इसको ध्यान से ईमानदारी से देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी। क्योंकि गाइस, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है, तो आपको पढ़ना भी ज़रूरी है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट और टॉप क्लास का क्वेश्चन है गाइस। ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है? तो गाइस, ये ब्रेन में लोकेटेड होती है। कहाँ लोकेटेड होती है? ब्रेन में, अपने भेजे में। और ये कहाँ होती है? अपने ये ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में, जहाँ औरतें लोग लगाती ना, बिंदी लगाती ना, वहाँ मतलब। और पिट्यूटरी ग्लैंड कितनी बड़ी होती है? कहते हैं मटर के दाने के बराबर होती है, मटर के दाने के बराबर, इतनी छोटी होती है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और पिट्यूटरी ग्लैंड किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? गाइस, ग्रोथ हार्मोन के लिए होती है रिस्पॉन्सिबल, है ना? ग्रोथ हार्मोन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि ब्रेन के अंदर होती है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ। अपनी हड्डियाँ और अपने दांत किस चीज़ के बने हुए होते हैं? तो गाइस, इसका आंसर है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। क्या नाम है? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं अपनी बोन्स और अपने दांत, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस अफेक्ट्स वुमेन ईजिली देन दैट ऑफ मैन। कौन सा डिसीज़ है जो औरतों को सबसे मतलब ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैन, मतलब मतलब मैन के कंपैरिजन में वोमेन को कौन सा डिसीज़ सबसे ज़्यादा होता है? तो गाइस, रिसर्च बताती है कि हार्ट अटैक का प्रॉब्लम औरतों को ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। ठीक है, तो ये बताना मैंने आपको ज़रूरी समझा, तो आप इसको देख लीजिए। और फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, कि ओनियन इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी चीज़ किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, तो क्वेश्चन अभी के लिए ये है कि ओनियन इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। तो गाइस, इसको आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, कि स्टेम, स्टेम का मॉडिफाइड फॉर्म है। क्योंकि इसके आंसर अजीब से आते हैं, कहीं रूट आता है, कहीं कुछ आता है, लीप्स आता है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर स्टेम है। एक बार फिर से, कि ओनियन इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम। ओके, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्या पता कल छप जाए अगली बार। ठीक, अब देखिए, इन द आइज कलर विजन इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ। कलर विजन किस चीज़ से अफेक्ट करता है? कलर विजन किस चीज़ से इफेक्ट होता है? तो गाइस, आइज के अंदर कून्स, कून्स नाम की कुछ चीज़ें होती हैं, कून्स नाम के वो ऑर्गन्स होते हैं जो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसे तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और अजीब सा क्वेश्चन है, इसीलिए कलर विजन जो अफेक्ट होते हैं गाइस, वो कून्स से होते हैं। तो अभी के लिए आप इसको याद करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी के टर्म है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए उनको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज़ ही बताऊंगा मैं आपको, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी। अभी के लिए कलर विजन इज़ अफेक्टेड बाय कून्स। ऑलराइट, अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ। डिहाइड्रेशन मतलब होता है कि जो पानी की कमी हो जाती है ह्यूमन बॉडी में, है ना, जैसे आप कहीं क्रिकेट खेल रहे हो धूप में, गर्मी में, तो आपकी मतलब जो पानी की कमी हो जाएगी ना, डिहाइड्रेशन, वो किस चीज़ से होती है? वाटर। जब अपना बॉडी के अंदर अपना जो वाटर का कंटेंट है वो कम हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो मोस्टली गर्मी में ऐसा होता है, जब ऐसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, वर्कआउट करते हैं, या क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है, तो कुछ लोगों को चक्कर भी आ जाते हैं। ठीक, तो डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर। ओके, आगे देखिए क्या है सेवन्थ क्वेश्चन, इसको भी ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। सबसे बड़ा लिविंग बर्ड कौन सा है अभी, है ना? सबसे बड़ा लिविंग बर्ड गाइस ऑस्ट्रिच है, उसको हिंदी में बोलते हैं शुतुरमुर्ग। क्या बोलते हैं? शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, स्टैटिक पार्ट है, इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए एट क्वेश्चन क्या दोस्तों, ये भी बिल्कुल टॉप क्लास का, इसको तो आप तोते की तरह रट लेना, सबकी आंखें स्क्रीन पर होनी चाहिए एट क्वेश्चन के लिए। द एज ऑफ द ट्रीज इज डिटरमाइंड बाय इट्स। देखिए क्वेश्चन ये है कि मान लो एक पेड़ है बहुत पुराना, अब उसकी एज कैसे पता करेंगे कि ये पेड़ कितना पुराना है? कोई बरगद का पेड़ है, आम का पेड़ है, कुछ का भी, है ना, जो भी पेड़ है, तो आप उसकी एज को कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये कितने साल पुराना है? तो गाइस, उसको पता करते हैं ग्रोथ रिंग्स की हेल्प से। क्योंकि जो पेड़ होता है ना, पेड़ होता है, तो जो लोग फॉरेस्ट वाले लोग होते हैं उनको पता होता है कि पेड़ में ऐसी ग्रोथ रिंग्स बन जाती हैं, ऐसी छोटी छोटी रिंग्स बन जाती हैं। और आपको और प्रॉपर बताता हूँ, जब पेड़ को थोड़ा काट देते हैं ना, आपने देखा होगा शायद, पेड़ को अगर मान लो यहाँ से काट दिया, तो जो
बीच में जो मतलब ये येलो येलो पार्ट रहता है ना, उसमें ऐसी कुछ रिंग्स बनी होती हैं, तो उन रिंग्स की हेल्प से पता करते हैं कि ये पेड़ कितना पुराना है। 50 साल पुराना है, 55 साल पुराना है, 60 साल पुराना है, या 100 साल पुराना है। ओके, तो इस तरीके से पता करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये। ठीक, अब देखिए आगे, नाइन्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों। किडनी डिसीज इन मैन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूटेंट, तो उसका नाम है कैडमियम। कैडमियम की वजह से ही किडनी डिसीज़ होता है, क्योंकि ये कैडमियम पॉल्यूटेंट का काम करता है। अगर ये बॉडी के अंदर चला जाता है तो इसमें किडनी डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना होगा कि कैडमियम 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 की वजह से किडनी डिसीज़ हो जाता है। ओके, अब देखिए आगे, ये भी वर्ल्ड क्लास क्वेश्चन है, 10th वाला, ध्यान से देखिएगा कि एलिसा टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू डायग्नोस। गाइज, ये एलिसा टेस्ट किस चीज़ के लिए होता है, किस चीज़ के बारे में पता करने के लिए होता है? तो एड्स, एड्स के बारे में पता करने के लिए होता है कि भाई साहब किसी को एड्स है या नहीं। तो अगर किसी को एड्स में एड्स का प्रॉब्लम है, या उसको शक है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो जाएगा हॉस्पिटल में और एलिसा टेस्ट करवाएगा, और इसी की वजह से पता चलेगा कि सामने वाले को एड्स है या नहीं। ओके, तो ये टॉप क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू मस्ट रिमेंबर दिस क्वेश्चन बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइज, मैं जितने भी क्वेश्चन, मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन टॉप क्लास के इंपॉर्टेंट लिए हैं। आपका एक भी क्वेश्चन मतलब यूजलेस नहीं रहेगा, और आपका टाइम भी पूरा यूज़ होगा। ठीक, अब देखिए ये क्या है, 11th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फीमेल सेक्स हार्मोन, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फीमेल सेक्स हार्मोन। तो फीमेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एस्ट्रोजन। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, है ना। अपन लोग तो अपने मेल्स में बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, है ना, प्रोजेस्टेरोन, इस तरीके से, लेकिन फीमेल में कौन सा सेक्स हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन होता है। बस इतना ध्यान रखिए, आप काम पड़ेगा। ठीक, और 12th है क्लोव। क्लोव द कॉमनली यूज्ड स्पीस स्पाइस इज ऑप्टेन फ्रॉम। क्लोव मतलब होता है जो अपनी लौंग होती है ना, लौंग खाते हैं अपन, चाय में डालते हैं वो लौंग। लौंग इज़ द कॉमनली यूज्ड स्पाइस इज ऑप्टेन फ्रॉम द फ्लावर बर्ड। गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, और इसको याद करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये पता समझ में नहीं आता कि फ्लावर बर्ड क्या है। तो फ्लावर बर्ड से निकलता है ये, मतलब एक फ्लावर के अंदर से क्लोव निकलती है। ठीक है, जैसे एक फूल फलता है ना, तो फूल के अंदर मतलब फूल के अंदर एक और फूल निकलता है, इस तरीके से मतलब ये क्लोव जो है लॉन्ग, एक फूल के अंदर से निकलती है, फ्लावर बर्ड। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इसको रट लेना तोते की तरह, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है, और मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी नंबर वेस्ट हो या कटे। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आपका एक एक सेकेंड, एक एक मिनट यूज़ होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो इंपॉर्टेंट है। ठीक, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, और 13th क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज़ ऑकर्स इन, मतलब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है वो सबसे ज़्यादा कब होती है, मतलब किस चीज़ में होती है? तो ब्लू और रेड लाइट की हेल्प से होती है। मतलब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है उसमें ब्लू लाइट और रेड लाइट का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कि भैया ब्लू लाइट और रेड लाइट रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी पूरी होने में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इसको आपको पता होना चाहिए, है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14th वाला। अब ब्रेथ टेस्ट, है ना, ब्रेथ टेस्ट, अपना ब्रीथ जो टेस्ट होता है, ब्रीथ का, सांसों का, यूज्ड बाय ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइविंग यूजर्स। मतलब जो लोग पुलिस वाले, फॉरेन में तो मोस्टली होता है कि जो पुलिस वाले लोग चेक करते हैं, कार ड्राइविंग करके आते हैं ना लोग, तो उनकी सांसें चेक करते हैं, उनकी ब्रीथ चेक करते हैं कि भाई तुमने कहीं शराब वराब तो नहीं पी, शराब पी के तो कहीं गाड़ी नहीं चला रहे आप। तो वो क्या यूज़ करते हैं? तो वो डिवाइस यूज़ करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। इससे पता चल जाता है कि सामने वाले बंदे ने शराब पी है या नहीं पी है। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लीजिए, आपको पक्का याद हो जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं ट्रैफिक पुलिस लोगों की सांसें चेक करने के लिए कि उन्होंने दारू तो नहीं पी कहीं। ठीक, तो इस चीज़ को इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। अब देखिए आगे क्या है, सॉरी 15th क्वेश्चन है, टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय। टाइफाइड फीवर कैसे होता है गाइज? ये टाइफाइड फीवर होता है गाइज बैक्टीरिया से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है। टाइफाइड कैसे होता है? बैक्टीरिया से होता है। और एक और चीज़, बैक्टीरिया के बारे में मैंने एक शानदार सा पार्ट बनाया बिल्कुल पूरा ट्रिक्स के साथ कि कौन कौन से डिसीजेस बैक्टीरिया से होते हैं। आप जाके देखिए, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ 110% कि आपको बहुत पसंद आएगा। एक ही बार पढ़ेंगे, एक छोटी सी लाइन है, एक ट्रिक है, जिससे आपको पूरे बैक्टीरिया से जितने भी डिसीज होते हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आई प्रॉमिस यू गाइज, आपको बहुत पसंद आएगा। और एक और चीज़,
मेरे को कैसे याद रहा कि ये टाइफाइड बैक्टीरिया होता है, क्योंकि एक बार मुझे टाइफाइड हुआ था तो मुझे पता है कि ये बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया से कैसे होता है, ये टाइफाइड होता है कंटेमिनेटेड वाटर से। अगर आप गंदा पानी पीते हैं या गंदा पानी से आप नहाते हैं, है ना, यूज़ करते हैं, हाथ धोते हैं, तब टाइफाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि साफ़ पानी पीना चाहिए। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और वो पार्ट ज़रूर देखिएगा, बैक्टीरिया वाला टॉप क्लास का है ना। मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब देखिए 16th क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। विच ऑफ़ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज़ अ यूनिवर्सल रिसिपेंट। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपेंट है, मतलब वो सर्व क्या बोलेंगे कि सब लोगों से अपना ब्लड ले सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कहीं का भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, तो उसे बोलते हैं ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल रिसिपेंट है, मतलब कोई भी आएगा कहेगा हाँ भैया, मतलब ये ए बी जो बोलेगा कि एक काम करो तुम भी हमें ब्लड दे दो, तुम भी हमको ब्लड दे दो, तुम भी हमको ब्लड दे दो, मतलब सबसे ले लेगा ये ए बी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि ए बी जो होता है वो सबसे ब्लड ले लेता है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ एक और बात याद आई मुझे कि यूनिवर्सल रिसिपेंट जब ए बी है तो फिर यूनिवर्सल डोनर कौन है, जो मतलब सर्वदाता है, जो देता है, तो वो हर हर बंदे को कौन दे सकता है, वो ओ नेगेटिव होता है दोस्तों। ओ नेगेटिव किसी को भी दे सकता है, सबको। ओ नेगेटिव जिसके पास होगा वो किसी को भी दे सकता है, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, दुनिया भर के जितने भी लोग हैं सबको दे सकता है। तो अभी के लिए ध्यान रखिए कि यूनिवर्सल रिसिपेंट ए बी है और यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव। ओके, अब देखिए आगे क्या दोस्तों, 17th क्वेश्चन क्या है। 17th क्वेश्चन है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड। जो बैक्टीरिया का शेप रॉड की तरह होता है, ऐसा रॉड की तरह होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं बैसिलस। क्या बोलते हैं, बैसिलस। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और 18th वाला है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस। कौन सा डिसीज़ वायरस से होता है दोस्तों, तो मैंने बताया ये पोलियो से होता है, जो पोलियो बचपन में हो जाता है ना बच्चों को, वो वायरस की वजह से होता है ना, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और मैंने एक और पार्ट बनाया है पूरा, पोलियो वायरस कहाँ से क्या होता है, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, है ना, सारे का सारा मैंने ट्रिक्स के बताया है। ट्रस्ट मी गाइज, आप जाइए और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं लास्ट में वीडियो डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ओके, अब देखिए 19th क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नोन एज विटामिन बी वन। विटामिन बी वन किस चीज़ को बोलते हैं दोस्तों, केमिकल नेम क्या है, तो इसको बोलते हैं थायमाइन। क्या बोलते हैं, थायमाइन को विटामिन बी वन बोलते हैं, मतलब बी विटामिन बी वन को थायमाइन भी बोलते हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, मैंने इसका भी एक पार्ट डाला है जिसमें सारे के सारे थायमिन, राइबोफ्लेविन, साइनोकोबालमिन, विटामिन बी वन, बी टू, बी सेवन, बी इलेवन, बी ट्वेल्व सब कुछ बताया है शानदार तरीके से, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। गो एंड वॉच दैट वीडियो। ओके, उसे भी मैं लास्ट में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। 20 क्वेश्चन क्या है भाई लास्ट देखिए, विच ऑफ़ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज़ रिच इन आयरन। कौन से फूड आइटम्स मतलब आयरन से भरपूर होते हैं, तो उसका आंसर है एप्पल। जो एप्पल होता है ना उसमें आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि रोज़ सुबह उठकर एक एप्पल तो एटलीस्ट खाना चाहिए। इससे क्या होते हैं, आयरन की कमी पूरी होती है, आप फिट रहते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होती। एंड एक ईडियम है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, तो बहुत सही बात है ये। एप्पल अगर आप खाओगे तो आपको कभी डॉक्टर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक बार दोस्तों मैं फटाफट आपको रिवाइज करवाता हूँ जिससे आपको हेल्प मिले और बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ लोकेटेड इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर है ना होती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। अपने हड्डियाँ और दांत ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिसीज़ अफेक्ट्स वुमेन इजिली दैन दैट ऑफ मैन। कौन सा डिसीज़ है जो मैन के मुकाबले वुमेन को ज़्यादा होता है, तो हार्ट अटैक। एंड ओनियन इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम। इसको तो आप याद रखिएगा, न रूट है न लीव्स है, सिर्फ स्टेम है आंसर इसका, ठीक है। अब देखिए 5th क्वेश्चन है, इन द आइज कलर विजन इज़ अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ। कलर विजन जो अफेक्ट होता है वो कॉर्न्स की वजह से होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। और डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज़ कॉज्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर। जब पानी की कमी बॉडी के अंदर हो जाती है तो उसे ही डिहाइड्रेशन बोलते हैं, उसी की वजह से लोगों को चक्कर आते हैं, और मोस्टली फुटबॉल, क्रिकेट, इन सब खेलते समय एनर्जी कम हो जाती है, धूप ज़्यादा लगती है, तब डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। तो उसका आंसर दोस्तों ऑस्ट्रिच, इसको हिंदी में बोलते हैं शुतुरमुर्ग, और ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, स्टेरिक पार्ट है ये। और द एज ऑफ ट्रीज इज डिटरमाइंड बाय इट्स ग्रोथ रिंग्स। जो पेड़ की एज को कैसे पता करेंगे, पेड़ जब कट जाता है या उसकी ग्रोथ रिंग्स होती हैं, येलो येलो ऐसी रिंग्स बनी होती है, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप गूगल पर फोटो देखिए, आपको पता चलेगा कि ग्रोथ रिंग्स की हेल्प से ट्री की एज को पता कर जाते हैं कि ये पेड़ कितना पुराना है, 10 साल, 50 साल, 100 साल। ओके, 9th क्वेश्चन है दोस्तों,
किडनी डिसीज़ इन मैन इज़ कॉज्ड बाय द पॉल्यूटेंट कैडमियम, कैडमियम की वजह से किडनी डिसीज़ होता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए टेंथ क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट इज़ एम्प्लॉयड टू डायग्नोज एड्स के बारे में पता करने के लिए दोस्तों, एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फीमेल सेक्स हार्मोन, तो इसे बोलते हैं एस्ट्रोजन, क्या बोलते हैं दोस्तों, एस्ट्रोजन। ठीक, और क्लोव, क्लोव मतलब लॉन्ग, द कॉमनली यूज स्पाइस इज ऑप्टेंड फ्रॉम द फ्लावर बर्ड, फूल के अंदर से ही निकलती है ये, ओके। अब देखिए क्या है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज ऑकर्स इन ब्लू लाइट एंड रेड लाइट, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, नीले और लाल रंग में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ऑकर होती है। ऑलराइट, 14th क्वेश्चन है कि जो पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस यूज़ करती है कौन सी डिवाइस को, लोगों की सांस को चेक करने के लिए, ब्रेथ को चेक करने के लिए कि उन्होंने दारू वगैरह पी है कि नहीं, तो वो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ यूज़ करते हैं, लिक्विड टाइप का कुछ डिवाइस, ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 15th क्वेश्चन है, टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया कैसे होता है, कंटेमिनेटेड वाटर्स में होता है, और भी कई जगह होता है, और टाइफाइड तो मोस्टली कंटेमिनेटेड वाटर से होता है, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, मुझे पता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कंटेमिनेटेड वाटर नहीं होना चाहिए, अच्छे से नहाओ धो, बढ़िया पानी पियो, साफ वाला, ठीक है, झूठा ऊटा पानी मत पियो लोगों का, टाइफाइड से बचो, ठीक, बहुत खतरनाक बीमारी है भाई। अब देखिए, और हाँ एक और बात, बैक्टीरिया का मैंने शानदार पार्ट बनाया है ट्रिक के साथ, तो ज़रूर देखिएगा, मैं गारंटी लेता हूँ आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और आप बिना लाइक किए मानेंगे नहीं, ट्रस्ट मी गाइस। और देखिए 16th है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज़ अ यूनिवर्सल रिसिपेंट, जो सबसे एक्सेप्ट कर लेता है, सबसे ले लेता है, वो है ए बी, और जो सबको दे देता है वो है ओ नेगेटिव, ठीक है। और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैसिलस, जो रॉड का शेप होता है बैक्टीरिया को, उसको बोलते हैं बैसिलस, ओके। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़ इज कॉज्ड बाय वायरस, तो वायरस से दोस्तों पोलियो होता है ना, बच्चों को जो पोलियो होता है ना, वायरस की वजह से होता है, ओके। और 19th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन बी वन, तो विटामिन बी वन को थायमाइन भी बोलते हैं दोस्तों, ओके। और लास्ट क्वेश्चन है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज रिच इन आयरन, कौन से फूड आइटम्स हैं जिनमें आयरन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो होते हैं एप्पल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। गाइज, मैंने मेरी तरफ से अपना पूरा बेस्ट दे दिया है, पूरी ताकत से पढ़ा दिया है, अब आपकी बारी है टू रिवाइज दिस वीडियो 2 or 3 times सो यू कैन लर्न वेरी वेल, आपको प्रॉपर जब भी याद होगा जब आप इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिविजन इज़ द की, जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं वो लोग रिविजन करते हैं, बार बार रिविजन करते हैं, तब उनके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी 2 से 3 बार रिवाइज करें और पक्का याद कर लें, ऐसे ही आपकी बायोलॉजी इंप्रूव होगी, ओके। और लास्ट बात, अगर मेरा वीडियो सच में दोस्तों अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि यार कुछ वैल्यूबल कंटेंट मिला है हमें, कुछ हेल्प मिली है, तो गाइस प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करिए और मुझे अप्रिशिएट करिए, और हाँ अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने क्लोज फ्रेंड को ये वीडियो को शेयर करिए और उनको बताइए कि यहाँ से पढ़ सकते हैं, और अपनी पॉजिटिव इमेज बनाइए, उनको लगना चाहिए कि आप उनकी केयर करते हैं, इसलिए आपने उन्हें शेयर किया है, ओके। थैंक यू सो मच, अपने क्लोज फ्रेंड को ही करना है शेयर और मेरे वीडियो को लाइक करना है, थैंक यू।